हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पैरामेशियम रिप्रोडक्शन इन पैरामेशियम कोडेटम। तो आज हम लोग देखेंगे कि पैरामेशियम कोडेटम में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वह किस प्रकार से होता है। तो पैरामेशियम कोडेटम में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वह जनरली जो है सो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। लेकिन इसमें क्या है कि जो न्यूक्लियस होता है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है यानी कि उसका जो पुनर्गठन होता है वह जो है सो कई प्रकार से होता है, और पुनर्गठन होने के बाद फिर जो है सो बाइनरी फिजन के द्वारा ही जो है सो उसका रिप्रोडक्शन का जो है सो प्रोसेस होता है। तो इसमें न्यूक्लियस का जो पुनर्गठन होता है वह कई तरीके से होता है, जैसे कि कंजुगेशन के द्वारा, एंडोमिक्सिस के द्वारा और ऑटोगेमी के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग जो है सो आज चर्चा करने वाले हैं कि बाइनरी फिजन किस प्रकार से होता है और इसमें जो न्यूक्लियस का जो पुनर्गठन होता है जो कि कंजुगेशन जो है सो मेथड से किस प्रकार से होता है उसको हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइनरी फिजन में जो है सो किस तरह से इसका जो है सो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है सो इसमें किस स्टेप से जैसे ये गुजरते हैं पहले मैं आपको स्टेप बता देता हूँ, फिर हम लोग जैसे इस डायग्राम हमने पहले से बना रखा है तो इस डायग्राम के द्वारा मैं आपको फिर समझा दूंगा। तो पैरामेशियम कोडेटम जो है यह जो है सो क्या होता है कि अनुकूल दशा में जो है सो क्या होता है कि सामान्यतः जो है सो यह अनुप्रस्थ या क्षैतिज जो है सो बाइनरी फिजन के द्वारा जन्म करता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले देख लिया। पैरामेशियम में सबसे पहले क्या करता है कि यह भोजन लेना जो है सो बंद कर देता है, और इसका जो ओरल ग्रुप होता है जो मुख खाँच होता है ये जो है सो ओरल ग्रुप है या जो है सो क्या होता है कि डिसअपीयर होने लगता है, जिससे क्या होता है कि माइक्रो न्यूक्लियस यानी कि जिसको हम लोग गुरु केंद्र कहते हैं ए माइक्रोटिकली जो है सो उसमें डिवाइड होने लगता है, तथा माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है उसमें भी जो है सो माइक्रोटिकली सूत्रित विभाजन की जटिल प्रक्रिया द्वारा जो है सो या इसमें विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन इस विभाजन के दरमियान जो है सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और केंद्रक कला विलुप्त नहीं होता है ना। विभाजन से पहले माइक्रो न्यूक्लियस थोड़ा सा परिणाम में बड़ा होता है, वृद्धि करता है, और उसके बाद जो है सो फिर जो है सो उसका विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके साथ क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम पाया जाता है वह क्रोमोसोम भी जो है सो वह विभाजित होने के लिए तैयार हो जाता है, वह भी जो है सो प्रकट होने लगता है, वह दिखाई देने लगता है, और लंबाई के अनुदिश जो है सो उसका भी विभाजन होना शुरू हो जाता है। तो यह जो अवस्था होती है उस अवस्था को हम लोग जो है सो प्रोफेज कहते हैं। गुणसूत्र विभाजित होकर जो है सो केंद्रक जो है सो तर्कु में विषुवत रेखीय तल पर व्यवस्थित हो जाता है, और इस अवस्था को हम लोग जो है सो मेटाफेज कहते हैं। इसके बाद गुणसूत्र और लघु केंद्रक दोनों जो है सो लंबाई के अनुदिश या वृद्धि करते हैं। वृद्धि करने के बाद जो है सो क्या होता है यह जो अवस्था जो कहलाता है इसको हम लोग जो है सो एनाफेज कहते हैं। उसके बाद अंत में क्या होता है कि टीलोफेज अवस्था में लघु केंद्रक अत्यधिक लंबी हो जाती है और दोनों लघु केंद्रक जो है सो संगठित हो जाते हैं, और तथा संतति लघु केंद्रक एक दूसरे से पृथक हो जाता है, और इसके साथ ही जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है जो गुरु केंद्रक होता है वह भी जो है सो वृद्धि करता रहता है, और वह धीरे धीरे जो है सो दो मुख खाँच भी इसमें जो है सो जो ओरल ग्रुप है वो नए ओरल ग्रुप का जो है सो फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है सो क्या होता है कि इसमें से एक अगले में तथा दूसरा पिछले भाग में जो है सो हो जाता है, लेकिन दोनों संकुचनशील रिक्तियां जो होती है वह जो है सो ज्यों की त्यों अपने स्थान पर बनी रहती है। अब जो है सो क्या है कि ये दोनों जो है सो दोनों नए मुख संरचनाएं भी प्रकट होने लगती है, और इसी बीच क्या होता है कि शरीर के मध्य में जो है सो एक खांच बनना शुरू हो जाता है ना, और यह खांच जो है सो क्या होता है कि धीरे धीरे गाढ़ी होती जाती है, और अंत में जो है सो कोशिका द्रव जो है सो पूर्णतः विभाजित हो जाता है और दो संतति पैरामेशियम जो है सो का निर्माण हो जाता है। अब इसमें से जो जनक जो ये जो जनक है इसका जो अग्रभाग होता है उसको हम लोग प्रोटर कहते हैं, और जो पश्च भाग होता है जो पिछला भाग होता है उसको हम लोग अपोस्थि कहते हैं। तो अब आइए हम लोग इसको जो है सो डायग्राम से समझते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बाइनरी फिजन में जो है सो कौन कौन से स्टेप होते हैं, अब इसको हम लोग डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि यह जो है सो एक पेरेंट जो है सो पेरेंट पैरामेशियम है। इस पेरेंट पैरामेशियम में ये जो है सो ओरल ग्रुप है,
और यहां पर दो न्यूक्लियस है जो कि एक जो है सो मैक्रो जो बड़ा वाला है उसको हम लोग मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, छोटे वाले को हम लोग जो है सो माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है कि यह जब जो है सो जन्म के लिए जब तैयार होता है तो यह जो है सो अपना भोजन लेना बंद कर देता है और धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो ओरल ग्रुप है यह भी जो है सो धीरे धीरे डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये जो मैक्रो न्यूक्लियस है जो ग्रुप केंद्रक है जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है इसमें जो है सो ए माइटोटिकली जो है सो डिवीजन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है जो लघु केंद्रक है इसमें भी जो है सो इसमें भी डिवीजन की जो है सो प्रक्रिया जो है वह शुरू हो जाती है और ये जो डिवीजन होता है वह जो है सो माइटोटिकली होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें ओरल ग्रुप आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यह जो है सो धीरे धीरे डिसअपीयर होते जाता है, लुप्त हो रहा है। उसके बाद यहां पर जो है सो डिवीजन होने के लिए जो है सो दोनों न्यूक्लियस जो है सो यहां पर क्या हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है, डिवीजन हो रहा है ना। और इस दरमियान क्या है कि जो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स है वह जो है सो अपने दोनों स्थान को पकड़े हुआ है, अपने जगह पर ही है, उसमें जो है सो किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। और उस जैसे ही न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है तो इसके बीच में जो है सो एक खांच बनने लगता है, ये खांच के बनने की जो प्रक्रिया है वह यहां से जो है सो शुरू हो जाती है। उसके बाद ये जो ओरल ग्रुप जो था जो डिसअपीयर हो गया था वह जो है सो खांच बनने के साथ इसमें जो है सो ओरल ग्रुप भी जो है सो क्या है कि धीरे धीरे जो है सो इसका फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे जो है सो ये डेवलप होता है, ओरल ग्रुप जो है सो डेवलप होता है, वैसे वैसे खांच भी क्या होता है कि यह जो है सो गहरी होती जाती है और अंततः जो है सो क्या होता है कि यहां से जो है सो जहां ये जो खांच है यहां से जो है सो दोनों जो है सो अलग अलग हो जाते हैं। तो यहां पर पैरेंट पैरामीसियम जो है सो दो डॉटर पैरामीसियम में जो है सो परिवर्तित हो जाता है। तो अब ये जो है सो क्या है कि जो पैरेंट पैरामीसियम है इसका यह ऊपरी सिरा हुआ यह अग्र सिरा कहलाता है और ये पश्च सिरा कहलाता है। तो अग्र सिरा से जो डॉटर पैरामीसियम बनता है उसको हम लोग जो है सो प्रोटर कहते हैं और जो पश्च सिरा या नीचे वाले से जो बनता है उसको हम लोग जो है सो उपेस्टी कहते हैं। उसके अलावा क्रोमोसोम में जो डिवीजन की जो प्रक्रिया होती है तो देखिए इसके साथ इसी बीच दरमियान क्या होता है जिस समय न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसी समय जो है सो क्रोमोसोम का भी डिवीजन होते रहता है। तो ये जो है सो क्या है कि हमने यहाँ पर क्रोमोसोम को बना रखा है, ये जो है सो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो है सो ये क्रोमोसोम जो है सो लंबवत है, ठीक है। तो ये जो है सो पहले से जो है सो दिखाई नहीं देता है, डिसअपीयर रहता है, लेकिन जब जो है सो विभाजन का समय आता है उस समय जो है सो ये क्रोमोसोम जो है सो क्या होता है कि अपीयर हो जाता है। तो यहां पर ये पहले लंबवत जो है फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जो है ये जो स्टेज जो कहलाता है वह प्रोफेज कहलाता है, फिर उसके बाद इसमें जो है सो डिवीजन होता है, डिवीजन होने के बाद फिर जो है सो क्या होता है कि दोनों जो है सो विषुवत सिरे पर जो है सो क्या होता है कि लंबवत जो है सो जाकर स्थित हो जाते हैं और फिर उसका भी जो है सो धीरे धीरे ग्रोथ होते रहता है। ग्रोथ होने के बाद दोनों में जो है सो जिस समय न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म का जो है सो डिवीजन होता है तो दोनों में जो है सो ये विभाजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि पैरामीसियम कोरेटम में जो है सो पैरेंट जो है सो मतलब कि पैरेंट पैरामीसियम कोरेटम दो डॉटर पैरामीसियम कोरेटम में बाइनरी फिजन के द्वारा जो है सो इसका रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं इसमें जो है सो कंजुगेशन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि पैरामीसियम कोरेटम में जो है कंजुगेशन का जो प्रोसेस होता है, कंजुगेशन में जो है सो क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस का जो है सो पुनर्गठन होता है और पुनर्गठन हो जाने के बाद फिर बाइनरी फिजन के द्वारा जो है सो यह रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करता है, यानी कि पेरेंट सेल जो होता है वह डॉटर सेल में जो है सो कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या स्टेप है, कैसे इसका प्रोसेस है, उसमें प्रोसेस को मैं सबसे पहले स्टेप को मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो है सो मैं डायग्राम पहले से बना रखा है, इस डायग्राम को जो है सो कि डायग्राम पर हम लोग इसको समझेंगे। तो इसमें होता क्या है कि दो जो है सो पैरामीसियम कोरेटम दो अलग अलग प्राणी जो है सो क्या करते हैं कि अपने अधर तल से जो है सो परस्पर संपर्क में आते हैं। फिर संपर्क में आने पर क्या होता है कि वे मुख्य खांच जहाँ पर ओरल ग्रुप होता है ना, जहाँ पर ओरल ग्रुप होता है उसके द्वारा ये क्या होते हैं कि जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद क्या होता है दोनों का जो है सो भोजन लेना बंद हो जाता है क्योंकि ओरल ग्रुप के साथ ये दोनों चिपक जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है मुख संरचनाएं जो होती है ओरल ग्रुप वह धीरे धीरे जो है सो डिसअपीयर हो जाता है और जहां पर ये दोनों जो है सो क्या होते हैं कि आपस में जो है सो चिपकते हैं जो जो पार्ट एक दूसरे के संपर्क में आता है तो वहां पर जितने भी जो है सो सिलिया होते हैं है ना, सिलिया वह सिलिया और उसके अलावा जो है सो इक्टोप्लाज्म ये दोनों जो है सो क्या हो जाते हैं कि धीरे धीरे जो है सो वह समाप्त हो जाता है।
और दोनों जो है सो एक दूसरे से जो है सो प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज के द्वारा जो है सो दोनों के बीच में एक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है। उस ब्रिज के द्वारा जो है सो दोनों आपस में जो है सो जुड़ जाते हैं। इस तरह जुड़ने के बाद दोनों जो है सो ऐसा दिखाई देता है कि जैसे लगता है कि ये दोनों जो है सो जुड़वा है। तो ये जो है सो दोनों जो है सो जुड़वा आपस में चिपक कर ये काफी सक्रिय रूप से जो है सो पानी में तैरते रहते हैं। इसी दरमियान क्या होता है कि इनके न्यूक्लियस में जो है सो परिवर्तन की प्रक्रिया जो है सो चलता रहता है। सबसे पहले क्या होता है कि इसका जो मैक्रो न्यूक्लियस है यानी कि जो ग्रुप केंद्रक होता है वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। टूटने के बाद ये जितने भी इसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वह जो है सो इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्म के द्वारा इन सभी टुकड़ों को जो है सो अवशोषित कर लिया जाता है। लेकिन माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वह पहले ग्रोथ करता है, थोड़ा वृद्धि करता है, उसके बाद उसमें जो है सो क्या होता है कि ये जो है सो माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन होने पर जो है सो यह क्या होता है कि इस प्रकार से ये चार अवगुणित जो है सो माइक्रो न्यूक्लियस का जो है सो फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं, जिसमें से क्या होता है कि तीन न्यूक्लियस जो है वह जो है सो अदृश्य हो जाता है यानी डिसअपीयर हो जाता है। अब जो है सो बचा कितना, एक न्यूक्लियस। तो यह जो है सो एक संतति माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वह फिर जो है सो दो असमान प्रो न्यूक्लियाई में जो है सो कन्वर्ट होता है, डिवीजन होता है। प्रो न्यूक्लियाई का मतलब होगा कि दोनों अलग अलग साइड में, एक बड़ा और दूसरा छोटा, जिसमें से जो बड़ा न्यूक्लियस होता है वह जो होता है वह जो है सो अचल होता है यानी कि वह एक ही जगह पर स्थित रहता है, वह मूव नहीं कर सकता। लेकिन जो छोटा न्यूक्लियस होता है वह काफी सक्रिय होता है और वह जो है सो माइग्रेट भी करता है यानी कि जो है सो वह मूव कर सकता है, आसानी से जो है सो मूव करता है। इसके बाद क्या होता है उसको हम लोग प्रवासी भी कहते हैं। तो यह जो है सो क्या होता है कि फिर जो है सो यह दोनों जो है सो जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वह दोनों जो है सो जो इस दोनों के बीच में प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बना हुआ है उसके द्वारा यह जो है सो एक दूसरे में जो है सो क्या होता है माइग्रेट कर जाता है। और माइग्रेट कर जो है सो दोनों के अंदर जो मैक्रो न्यूक्लियस जो बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है जो कि अचल होता है, जो मूव नहीं कर सकता है, उसके साथ फ्यूज कर यह जो है सो जायगोट का फॉर्मेशन कर लेता है। जायगोट का फॉर्मेशन जब हो जाता है तो यह लगभग जो है सो 12 से 48 घंटे तक इस पूरी प्रक्रिया में लगती है, जिसमें यह दोनों आपस में चिपके हुए रहते हैं। जब जायगोट फॉर्म कर जाता है तब यह दोनों फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो अलग हो जाने के बाद दोनों में जो है सो जायगोट का फॉर्मेशन हो गया रहता है। अब इसमें से प्रत्येक में क्या होता है कि वह जायगोट जो है सो क्या होता है कि उसमें जो है सो डिवीजन का जो है सो प्रोसेस शुरू होता है। अब इसमें जो है सो डिवीजन का जो प्रोसेस होता है वह जो है सो लगभग जो है सो यह जो है सो डिवीजन की जो प्रक्रिया होती है वह तीन बार होती है। तो इस तीन बार जो है सो डिवीजन की प्रक्रिया होने में जो है सो इसमें जो है सो लगभग 8 केंद्रक जो है सो बन जाते हैं, जिसमें से 4 जो होता है वह माइक्रो न्यूक्लियस होता है तथा 4 जो है सो माइक्रो न्यूक्लियस बनता है। माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है जिसमें से 4 में से फिर 3 जो है सो क्या होता है कि डिसअपीयर हो जाता है, 3 डिसअपीयर हो जाता है, 1 जो है सो क्या होता है कि 1 जो है सो फिर बच जाता है। अब उसमें से 1 में जो है सो क्या होता है कि एक बार जो है सो फिर बाइनरी फ्यूजन होता है। तो एक बार जब बाइनरी फ्यूजन होता है तो 2 जो है सो डॉटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन होता है। तो उसमें जो है 1 जो है सो माइक्रो न्यूक्लियस रहता है और 2 जो है सो मैक्रो न्यूक्लियस रहता है। उसके बाद फिर एक बार और जो है सो इसका बाइनरी फ्यूजन होता है और बाइनरी फ्यूजन के द्वारा जो है सो अब इसमें क्या होता है कि इससे जो डॉटर जो है सो पैरामीशियम बनता है उसमें 1 जो है सो माइक्रो न्यूक्लियस और 1 मैक्रो न्यूक्लियस जो है सो फॉर्म होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक जो है सो एक पैरामीशियम कोडेटम से अंत में इस कंजुगेशन के रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के द्वारा अंत में जो है सो 1 से जो है सो 4 का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर यदि हम 2 है तो दोनों से हर एक से 4 बनेगा यानी दोनों से जो है सो कुल 8 जो है सो डॉटर पैरामीशियम का जो है सो फॉर्मेशन हो जाता है। तो आइए हम लोग इसको जो है सो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो पैरामीशियम कोडेटम जो है सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने पहले से यहाँ पर डायग्राम बना रखा है। तो यहाँ पर यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 2 जो है सो पैरामीशियम कोडेटम, एक को हमने सेडेट कर दिया है ताकि दोनों में जो है सो आपको डिफरेंस पता चले। एक पैरामीशियम कोडेटम को ए नाम दिया है हमने, दूसरे को जो है सो बी नाम दिया है। तो ये दोनों आपस में जो है सो कंजुगेंट कर रहे हैं, है ना, ये दोनों जो है सो कंजुगेंट कहलाएंगे। जो दोनों दो प्राणी जो होते हैं जब आपस में कंजुगेशन करते हैं तो वह दोनों प्राणी जो है सो
अलग अलग उसको हम लोग जो है सो इसको क्या कहते हैं कंजुगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में जो है सो क्या होगा कि यहाँ पर जो है सो कंजुगेट कर रहे हैं, तो इस दोनों का जो ओरल ग्रुप है ना, यहाँ पर इसके बीच में ओरल ग्रुप था, वह ओरल ग्रुप जो है सो क्या हो जाता है डिसअपीयर हो जाता है। यहाँ पर से जो है सो ये भोजन भी नहीं ले सकते हैं, है ना। उसके अलावा ये जितना पार्ट ये दोनों का जो है सो आपस में चिपका हुआ है, यहाँ पर जितने भी सिलिया थे वह सभी सिलिया, जितने भी सिलिया थे वह सभी सिलिया और इक्टोप्लाज्म, यहाँ का जो इक्टोप्लाज्म है वह दोनों जो है सो क्या हो जाता है डिसअपीयर हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। और इस दोनों के बीच में जो है सो प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है और उसी ब्रिज के द्वारा ये दोनों जुड़े रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसका जो है सो इसमें जो बड़ा वाला जो न्यूक्लियस है ना, ये जो है सो मैक्रो न्यूक्लियस है। यह न्यूक्लियस क्या होता है कि यह जो है सो विखंडित होता है, धीरे धीरे टुकड़ों में टूट जाता है, और टूटने के बाद इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म रहता है उसके द्वारा जो है सो इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब यहाँ पर बच गया क्या, माइक्रो न्यूक्लियस। यह माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है इसमें डिवीजन हुआ तो ये दो, एक से जो है सो दो बन गया, है ना, दोनों में एक एक था, दोनों में जो है सो दो दो हो गया, फिर दो से जो है सो ये चार चार हो गए, है ना। अब चार होने के बाद क्या होता है कि इसमें से जो है सो दोनों में तीन जो है सो क्या हो गया कि डिसअपीयर हो गया, है ना। यहाँ पर दोनों में, इसमें भी तीन डिसअपीयर हो गया, इसमें भी तीन डिसअपीयर हो गया, तो इसमें एक बच गया और इसमें एक बच गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये दोनों, ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है जो एक बच जाता है ना, ये जो एक बच गया इसमें जो है सो फिर डिवीजन होगा, तो ये जो डिवीजन होगा ये प्रो न्यूक्लियाई होगा, यानी कि एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। जैसा कि आप देखिए यहाँ पर ये जो है सो बड़ा वाला है और ये दोनों में एक एक बड़ा है और ये दोनों एक एक छोटा है, तो ये बड़ा वाला जो न्यूक्लियाई है यह जो है सो क्या होगा कि अचल होगा, यानी एक ही जगह पर स्थिर रहेगा, जबकि दूसरा वाला जो है, छोटा वाला जो है, यह काफी सक्रिय होगा और यह जो है सो माइग्रेट कर सकता है, यानी कि मूव करने वाला होता है। अब इसमें, इसके बीच में जो प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बना हुआ है, उस ब्रिज के में, ब्रिज में क्या होगा के द्वारा जो है सो साइटोप्लाज्म, जैसे ये छोटा वाला जो है वह इसमें का, यानी कि ये जो मतलब पैरामीसियम है, इसका जो छोटा वाला है वह जो है सो क्या होगा इस ब्रिज के द्वारा मूव कर माइग्रेट कर बी में आ जाएगा, और बी का जो माइक्रो न्यूक्लियस है वह जो है सो क्या होगा ए में आ जाएगा। तो इसके साथ जो है सो इसका जो है सो क्या होगा जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, और इसके साथ इसका जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, तो दोनों में जो है सो एक एक जैसे जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, और इस पूरे प्रक्रिया में जो है सो लगभग 12 से 48 घंटे का समय लगता है। उसके बाद जब 12 से 48 जो है सो जायगोट का जब फॉर्मेशन हो जाएगा, तब फिर अब ये दोनों जैसे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो अलग जब हो जाएंगे तो अलग होने के बाद दोनों के अंदर, ए पैरामीसियम के अंदर और बी पैरामीसियम के अंदर, दोनों के अंदर जो है सो जायगोट का फॉर्मेशन हो चुका है। अब जैसे हम लोग देखते हैं आगे, तो हमने जो है सो एक को हमने छोड़ दिया, एक को हम, ए पैरामीसियम को हमने ले लिया, तो इसको हम कहेंगे एक्सो कंजुगेंट, यानी कि एक्सो, यानी कि अब यह अलग हो गया। अब इसके अंदर एक जायगोट है, ठीक है, ये जायगोट है। अब यह जायगोट जो है सो क्या होगा, इसका जो है सो डिवीजन होगा, है ना, इसका जो है सो डिवीजन होगा। यह डिवीजन जो है सो यह तीन बार होगा, है ना। पहला जो डिवीजन होगा तो इसमें एक से यह दो बनेगा, ठीक है, दो जो है सो डॉटर न्यूक्लियाई बन गया। फिर दूसरा डिवीजन होगा तो दो से चार डॉटर न्यूक्लियाई बना, और फिर एक बार और इसका डिवीजन होगा जो कि चार से अब आठ जो है सो डॉटर न्यूक्लियाई इसमें बन गया। तो आठ डॉटर न्यूक्लियाई बना तीन बार के डिवीजन में। अब इसमें आठ जो डॉटर न्यूक्लियाई है, इसमें से चार जो होगा वह जो है सो माइक्रो होगा और चार जो होगा वो मैक्रो होगा, यानी कि चार बड़ा होगा और चार जो है सो छोटा होगा, ठीक है। अब इसमें से चार जो छोटा वाला है, ये चार जो आप देख रहे हैं छोटा वाला, इसमें से क्या होगा कि तीन जो है सो डिसअपीयर हो जाएगा, है ना, तीन डिसअपीयर हो जाएगा और एक जो है सो क्या होगा कि एक जो है सो ये बच जाएगा, तीन यहां पर डिसअपीयर हो जाएगा और एक जो है सो ये बच जाएगा। चार मैक्रो बच गया ग्रुप के अंदर और एक जो है सो माइक्रो बच गया। अब यह माइक्रो न्यूक्लियस जो है इसका जो है सो फिर जो है सो डिवीजन होगा, ठीक है, और इसका जब डिवीजन होगा ये जो है सो बाइनरी फिजन के द्वारा होगा। अब यहां से जो है सो बाइनरी फिजन का प्रोसेस शुरू हो गया, तो अब इसको क्या होता है, ये जो है सो बाइनरी फिजन होगा तो ये जो है सो माइक्रो न्यूक्लियस जो है सो इसका जो है सो डिवीजन हो जाएगा, जबकि माइक्रो न्यूक्लियस का कोई डिवीजन नहीं होगा। तो यहां पर जो है सो यहां से एक पेरेंट से जो है सो दो डॉटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, दो डॉटर पैरामीसियम बन गया। अब जब दो डॉटर पैरामीसियम जब बनेगा तो इसमें से दो, एक में जो है सो दो माइक्रो न्यूक्लियस
दो माइक्रो दो बड़ा वाला और एक छोटा वाला इसमें आ गया, इसमें जो है सो दो बड़ा वाला आ गया और एक छोटा वाला आ गया, यानी ये दोनों जो है सो डॉटर जो है सो पैरामीसियम हो गया। इसके बाद फिर एक बार और इसका डिवीजन होगा, तो इसमें जो है सो ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है इसका डिवीजन होगा, लेकिन माइक्रो न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होगा, बड़ा वाला न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होगा। तो अब जो है सो जो डिवीजन होगा, तो इससे जो डॉटर का फॉर्मेशन होगा उसमें एक माइक्रो बड़ा वाला और एक छोटा वाला है ना, दोनों में एक एक आ गया, इसमें भी उसी तरह से एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला आ जाएगा। इस तरह से दो से फिर जो है सो चार डॉटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से अंत में हम लोग देखते हैं कि एक जो है सो पैरामीशियम कोडेटम के कंजुगेशन मेथड से, एक पैरामीशियम कोडेटम से चार डॉटर पैरामीशियम कोडेटम का जो है सो फॉर्मेशन हो जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।